हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं टेक्निकल एक्सट्रीम। और आज हम बात करेंगे टाइप सी के बारे में। आपने बहुत से टेक चैनल यूट्यूब चैनल्स पे देखा होगा कि जब भी किसी फ़ोन की अनबॉक्सिंग वगैरह होती है, जैसे 50 to 60,000 का मोबाइल वगैरह हो, तो हर यूट्यूबर यही एक शिकवा कर रहा होता है कि अगर उसमें USB टाइप सी पोर्ट नहीं होती तो वो कहते हैं इसमें टाइप सी पोर्ट को इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए था, क्योंकि ये एक बहुत ही महंगा फ़ोन था। तो क्या है टाइप सी आखिर पोर्ट? क्यों यूट्यूबर्स कहते हैं कि इसको इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए? क्यों टाइप सी पोर्ट इन्वेंट की गई? इसका मेन मकसद क्या था? आज आप इसी पे डिटेल से बात करेंगे। तो बिना टाइम जाए के वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, टाइप सी की बात कर लीजिए। मेरे पास ये कुछ टाइप सी केबल्स हैं। तो टाइप सी बनाने का मेन मकसद ये था कि आप बहुत सी चीजों को एक ही केबल में इस्तेमाल कर सके, यानी कि जैसे एक केबल का काम डेटा ट्रांसफर करना है तो उसी से आप चार्जिंग कर सकें, उसी से साउंड वगैरह कर सकें, उसी से टीवी वगैरह में आप केबल्स वगैरह को लगा सकें। तो ये जो टाइप सी पोर्ट बनाने का मकसद यही था कि एक फास्टेस्ट केबल बनाई जा सके जो मल्टी प्रोसेसिंग मल्टी टास्किंग काम कर सके। तो जो टाइप सी के अंदर आपको बहुत सी पोर्ट्स वगैरह अंदर से केबल्स के पॉइंट्स देखने को मिल जाते हैं अगर आप इसको देखें तो इंटरनली तौर पर, अंदरूनी तौर पर। तो टाइप सी के अंदर जो पोर्ट होती है वो जो डेटा भी ट्रांसफर कर सकती है, आपका साउंड वगैरह को भी ट्रांसफर कर सकती है। साउंड की एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे आपको हैंड फ्रीज वगैरह मिल सकते हैं जो टाइप सी पोर्ट पे हैं, तो उनसे आप हैंड फ्री से साउंड वगैरह सुन सकते हैं। चार्जिंग पोर्ट, तो बेसिक जो टाइप सी का मकसद था ना, आप देख सकते हैं कि अगर आप अपने पुराने फोन वगैरह में USB 2.0 वाली पोर्ट लगाते थे तो वो जो थी पोर्ट आपकी थोड़े दिनों बाद ढीली वगैरह होने लग जाती थी और लूज हो जाती थी और मोबाइल में केबल से इतना लगती नहीं थी और आपको केबल एक ही साइज तरफ लगाने पड़ती थी, उल्टी लगाते थे और केबल नहीं लगा सकते, जिसके अगर आप ज्यादा जोर से लगाते तो जैक वगैरह भी टूट सकता था। तो टाइप सी को जब इंप्लीमेंट किया गया तो टाइप सी के आप जिस तरह मर्जी केबल लगाएं, उल्टी लगाएं सीधी लगाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बहुत ही फास्टेस्ट केबल है ये और टाइप सी की भी स्पीड है 3.0 4.0। टाइप सी एक फास्ट टाइप इसको सपोर्ट करती है, फास्ट चार्जिंग स्पीड देती है आपको USB टाइप 2.0। तो इसलिए बहुत से यूट्यूबर्स कहते हैं कि टाइप सी को जरूर इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए था, क्योंकि ये एक न्यू टेक्नोलॉजी की दुनिया, आगे से जदीद दौर आ रहा है तो हमें बेहतर की तरफ जानते हैं। इसलिए कहते हैं कि यूट्यूबर्स कहते हैं कि यूएसबी को टाइप सी को मोबाइलों में डालना चाहिए से ज्यादा से ज्यादा। पर कम बाद में साथ वो ये भी कहते हैं कि इसमें खर्चा वगैरह भी 2-3 हज़ार पे बढ़ जाता है तो कुछ नहीं अफोर्ड कर सकते, तो वो 2-3 हज़ार लेस वाला मोबाइल खरीदना चाहते हैं। पर USB 2.0 भी बुरी पोर्ट नहीं थी, पर जैसे जैसे न्यू टेक्नोलॉजी आई तो टाइप सी आई, तो टाइप सी एक बेस्ट पोर्ट थी। पर अब देखा जाए तो टाइप सी को एक दूसरी तरफ लेके जाया जा रहा है। टाइप सी को हालांकि ये होना चाहिए था कि अब जोन सी मर्जी जिस मर्जी मोबाइल में टाइप सी केबल्स लगाएं तो वो मोबाइल सपोर्ट कर लें। पर अब आपने जैसे देखा कि ओप्पो के मोबाइल आए वो चार्ज, वन प्लस का डैश चार्ज वगैरह आया, फाइंड एक्स आया, इस तरह के जो मोबाइल आए उसमें ये क्या हुआ कि आप जब उसी मोबाइल के जो उसके बॉक्स के साथ चार्जर और केबल आती है आप उससे चार्ज करते थे तो आपको वॉक चार्ज वगैरह फास्ट चार्जिंग स्पीड मिली थी और मोबाइल बहुत ही जल्दी चार्ज होता। पर अगर आप कोई केबल खराब हो गई या आप किसी और केबल को उस मोबाइल के अंदर लगाते थे तो वो चार्ज नहीं होती थी। तो ये ऐसा क्यों होता था? ऐसा इसलिए होता था कि जो उसकी पोर्ट्स वगैरह के अंदर थी ना, कुछ तारे उस तरह हर कंपनी उस तरह नहीं डिजाइन करी थी, हर कंपनी ने अपनी कोडिंग की हुई थी और वो अपनी कोडिंग के स्कीम के साथ उन्होंने डिजाइन किया हुआ था, जिसकी कोडिंग स्कीम दूसरी यूएसबी टाइप सी से मैच नहीं कर रही थी और आपको फास्ट चार्जिंग वगैरह प्रोवाइड नहीं कर रही। तो ऐसे में अगर आपको कोई टाइप सी आपने मोबाइल लिया है और उसकी टाइप सी केबल खराब हो जाती है, चार्जर खराब हो जाता है और आपको वो चार्जर नहीं मिलता, अभी नया मोबाइल आया, तो इस हिसाब से आप तो कोई चार्जिंग कर ही नहीं सकते। तो कंपनी को चाहिए कि वो एक ऐसी टाइप सी का कोड यूज करें जो हर मोबाइल में टाइप सी वगैरह यूज हो सके, ताकि आप की केबल खराब वगैरह हो जाए तो आप कोई न्यू केबल बाय करें सस्ती या जिस तरह की भी बाय करें तो आपको उसमें फास्ट चार्जिंग वगैरह प्रोवाइड हो जाए, वही पिन्स वगैरह वही कोडिंग वगैरह करें। पर कंपनीज ने अपना अपना तरीका बनाया, कोई किस तरह टाइप सी दे रहा है। तो जो नॉर्मल मोबाइल्स की बात कर ली जाए तो वो तो टाइप सी सपोर्ट्स करते हैं जिस तरह की मर्जी लगा दो, पर जो जरा हाई लेवल के मोबाइल है जिनकी चार्जिंग स्पीड बहुत ज्यादा है, जिनमें वॉक चार्ज का सपोर्ट है, तो अगर उनका चार्जर या डाटा केबल आप कोई और यूज कर लें तो आपको फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट नहीं मिलती। तो ऐसे में ये काम एक अच्छा काम नहीं है। इनको चाहिए कि न्यू टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे तो एक ऐसा इंप्लीमेंट करें कि जिससे लोगों को फायदा हो ना कि नुकसान हो। तो इसी तरह टाइप सी का आपको बहुत से फायदे वगैरह मिल सकते हैं, बहुत ही एक अच्छी पोर्ट टाइप सी पोर्ट बहुत ही अच्छी है, इसमें आपको किसी किस्म का जैक वगैरह का नुकसान देगा, जिस तरह मर्जी आप लगा सकते हैं फोन को। तो ये थी टाइप सी की डिटेल्स। इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए दोस्तों अल्लाह हाफिज़।